बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ बीफ स्ट्रीम। बीफ स्ट्रीम बनाने के लिए इस तरह से मैंने देखिए इसके पार्चे कर लिए हैं गोश्त के, और ये इस तरह से देखिए इसमें सब में मैंने कट लगा लिए हैं, और इसको मैंने नमक और सिरके के पानी में डिप कर दिया था, और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसका मैं मसाला तैयार करूँगी। मसाला तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने ये दही लिया है, ठीक है, ये 1 पाव दही ले लीजिए, और इसके अंदर आप कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इस तरह से मैंने 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ये फूड कलर लिया है जर्दे का रंग, 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक लिया है। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हम मसाला लगाएंगे इसके अंदर। इस तरह से इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया है, और साथ में 1 लेमन जूस ऐड किया है इस तरह से, और इसको हम मिक्स कर देंगे। सब मसालों को देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया है। अच्छा, अब दही जो आप लेंगे आप इसके अंदर पर कोशिश कीजिएगा कि दही के अंदर पानी ना हो, और मसाले देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है बीफ पर, और इसको तकरीबन हम 6 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे फ्रिज में, और 6 से 8 घंटे के बाद हम इसकी तैयारी की तरफ आएंगे। सब मसालों को अच्छी तरह से लगा दीजिए। देखिए सब तरफ से मसाले अच्छी तरह लग चुके हैं, और अब मैं इसको 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। देखिए मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 6 से 8 घंटे हो चुके हैं। इस तरह से देखिए मैंने कुकर में पानी ले लिया है, और इसमें मैं तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल इसमें मैंने डाल दिया है, और इस तरह से अब ये मैं स्टीम के लिए तैयारी कर रही हूँ। देखिए इस तरह से ये मैंने ये ले लिया है, और देखिए इस तरह से ये मैंने इसके अंदर रख दिया है, ठीक है, बस इसको मैंने फिक्स कर दिया है। देखिए इस तरह से ये मैंने पीस रख दिया है, ठीक है, अब मैं इसको पैक करूँगी। मैंने तिल भी ऐड कर रहे हैं, ये मैं ओवन में बेक करूँगी। आप चाहें तो बगैर तिल के भी बना सकते हैं, और तिल के साथ भी बना सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर मैं फोक की मदद से इसमें होल कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से स्टीम अंदर चली जाए इसके। ये देखिए इस तरह से होल कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से हम ये रखेंगे इसके ऊपर। ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह से देखिए मैंने पीस रख दिए हैं। देखिए स्टीम आना शुरू हो गई है। अब मैं ये कुकर लगा रही हूँ, 1 सीटी का मैं कुकर लगाऊंगी। जब 1 सीटी आ जाएगी तो उसके बाद इसको मैं लो फ्लेम पर तैयार करूँगी।
देखिए इस तरह से ये तकरीबन 1.25 घंटे में मैंने कुकर को चेक करा है, खोला है, और अब जो है ना इसको मैं चेक करूँगी। देखिए से ये गल चुका है, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़े से ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, और वरना आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है।